हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं, घुमाने वाले हैं वाटर किंगडम, जो कि ये मुंबई में वाटर पार्क है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा वाटर पार्क है। जैसा कि यहाँ का जो जितने खर्चे आएंगे, कितने खर्चे, कितने कॉस्ट, लॉकर का क्या आएगा, कैसे हमें पहुँचना है, वो सारी चीज़ें ए टू जेड हम बात करेंगे। अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो सिंपल सा सबसे पहले आपको करना क्या है, आप मुंबई में पहुंच के किसी भी लोकल ट्रेन स्टेशन जो भी आपके आसपास है वहाँ पे आपको चले जाना है। वहाँ से क्या टिकट ले लेना है बोरीवली का, तो आपको सिंपल सा बोरीवली पहुंच जाना है। अब जब आप बोरीवली पहुंच जाओगे, क्योंकि ये बोरीवली ही में स्थित है, बोरीवली बेस्ट से क्या करना, ऑटो पकड़ लो या शेयरिंग गाड़ी पड़ती है तो पकड़ लोगे ईज़िली, 15-20 रुपये जो भी लगे इसलिए आपको पहुँचा देगा। गुरई जड्डी पहुँचना है। अब गुरई जड्डी जब पहुंच जाओगे तो वहाँ पे सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको फेरी का टिकट मिलेगा। फेरी यानी नाव, एक हिसाब से नाव भी कह सकते हैं, तो फेरी, तो उसका टिकट लोगे 100 रुपये का रहता है। और ये टिकट संभाल के आपको रखना होगा, क्योंकि वापस आओगे तो भी यही टिकट लगता है, ओनली 100 रुपये, अप एंड डाउन दोनों तरफ का हो जाएगा। तो ये तो ये हो गया। अब रही बात, जब आप वाटर पार्क, वाटर किंगडम पहुँच जाओगे, तो पहुँचने के बाद वहाँ पर जो एंट्री फ़ीस है एडल्ट की, यानी हम जैसे एडल्ट लोगों की, तो 1400 रुपये। अगर ऑफर्स वापस चलता रहता है तो 1100-1150 हो जाता है। वो भी ये जो भी फीस है भाई, एंट्री फीस, ये विदाउट फूड है, यानी फूड वहाँ मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हो, खा सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बियर शेयर सब चीज़ मिलता है वहाँ अंदर। और इसके अलावा अगर चिल्ड्रेन का अगर फीस देखा जाए तो 1000 रुपये। और इसके बाद आकर अंदर जाओगे, चेंजिंग रूम वगैरह और लॉकर, लॉकर का देखा जाए 200 रुपये लेते हैं, उसके बाद आप वापस करोगे 100 रुपये रिफंड कर देते हैं। बाकी जो भी नज़ारे हैं, जो भी सीन्स है, आप इस वीडियो में देखते रहिए और मज़े लेते रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।